आपका क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी सी डी एंड एफ डी आर टू पैलोग्राम्स, प्रूव दैट फर्स्ट इज पीई इज इक्वल टू एफ क्यू, सेकेंड आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पीई इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एफ डी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ डी, थर्ड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पीई ए एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एफ डी। ठीक है ना, तो ये आपका फिगर है। इसमें इसने क्या कहा, कौन कौन से दो पैलोग्राम्स हैं आपके, एक तो है ए बी सी एंड डी, ठीक है, दूसरा दूसरा इसने कहा ए एफ डी, तो ए एफ एंड डी दैट मीन दिस वन फ्रॉम हियर इट इज अ पैलोग्राम्स, तो दो पैलोग्राम्स है इसमें। ठीक है ना, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है पीई एंड एफ डी, तो पीई एंड एफ डी आपका कहां पर है वो आप देखो, पीई एफ डी दैट मीन्स आपका इसके अंदर है ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल। ठीक है ना, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है इक्वल करने के लिए, दैट मीन्स हमको ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, तो पहले कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं वो हम लिख लेते हैं। तो पहला हमारा है ट्रायंगल पीई ए, तो ट्रायंगल इज पीई ए, एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है हमारा एफ क्यू डी। ठीक है ना, तो ये देखो ये वाला लाइन, ये एंगल एंड दिस एंगल, क्योंकि ये पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो आपका क्या हो गया देखो बी ए इज पैरेलल टू सी डी, बी ए इज पैरेलल टू सी डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके क्या हो गए, दे आर द करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स, है ना, तो दे आर द करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स वी कैन से, तो आपका हो गया एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल एफ क्यू डी। ठीक है ना, और देखो इसके अंदर और क्या हो रहा है हमारा, और क्या हो रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये आपके क्या है देखो, ये पहला लाइन है, तो ये वाले एंगल्स आपके क्या हो गए, दे आर द करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स, है ना, वो भी आपके करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स हो गए हैं, और अदरवाइज यू कैन टेक पी एंड क्यू। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ये वाले एंगल्स को भी ले लिया, तो आपके कौन से हैं देखो क्यू डी एफ और पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल कौन से हैं आपके एफ डी क्यू, और कुछ हो रहा है आपका देखो उसके अंदर, आपका ये लाइन भी पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस ऑल्सो, तो ये वाला एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स, तो पैरेलल कौन कौन से हैं, एफ डी इज पैरेलल टू ई ए, तो ई ए इज पैरेलल टू एफ डी, दैट मीन्स एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू एफ डी। ठीक है ना, और क्या है आपका देखो, और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो ट्रिपल ए तो बन ही गया पहले से ही, और भी कुछ हो सकता है आपका,
क्या है आपका, ये देखो एफ एंड ई, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स ऑफ दिस पैरेलल लाइंस। तो दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, ई एफ इज पैरेलल टू ए डी, ई एफ इज पैरेलल टू ए डी, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने पहले ही कहा है ये, है ना। तो आपका क्या हो गया, एफ डी इज इक्वल टू ई ए, है ना। तो वी कैन राइट इट एज एफ डी इज इक्वल टू ई ए नाउ। तो बाई ट्रिपल ए भी ले सकते हैं और बाई ए एस ए, ए एस ए और ट्रिपल ए, ट्रिपल ए से आपका सिमिलरिटी प्रूव हो रही है, ए एस ए से आपका क्या हो रहा है, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो रहा है। क्राइटेरियन से आपका क्या हो गया, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल पीई ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एफ क्यू डी। अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं दोनों ट्रायंगल्स, तो नाउ वी कैन गो फॉर सीपीसीटी। क्या है आपका, पीई इज इक्वल टू एफ क्यू, पीई इज इक्वल टू एफ क्यू, पीई इज इक्वल टू एफ क्यू बाय सीपीसीटी, है ना। तो फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर दिया, एट द सेम टाइम हमने थर्ड वाला भी प्रूव कर दिया। थर्ड वाला भी देखो क्या है, पीई ए, पीई ए एंड क्यू एफ डी, क्यू एफ डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके एरिया भी इक्वल होंगे, है ना। तो वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल पीई ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ क्यू डी, ठीक है। तो इससे आपका फर्स्ट एंड थर्ड दोनों प्रूव हो गया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कहा है इसने, एपीई कहां पर है आपका, एपीई। तो ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, है ना, कि एपीई एंड आपका क्यू एफ डी, क्यू एफ डी। तो हमको प्रूव करना है दिस वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ ए कहां पर है आपका, पी एफ ए, दैट मीन दिस वन। एंड दूसरा कहां पर है देखो, पी एफ डी, पी एफ डी दैट मीन दिस वन। तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस तरह से, तो ये वाला, ठीक है। अब दोनों को आपको प्रूव करना है, तो हमको पहले ही पता है कि एफ डी ए इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, ए एफ ए क्या है, ए ई एफ डी दिस वन। तो दैट मीन्स आपका क्या है, ई एफ इज पैरेलल टू ए डी, ये लिखा हुआ है पहले से ही। तो आपका क्या हो गया, पी एफ इज पैरेलल टू ए डी ऑल्सो, आपका हो गया पी एफ इज पैरेलल टू ए डी ऑल्सो। नाउ अब आप देखो, अगर आपने पी एफ को बेस ले लिया, पी एफ को बेस ले लिया, तो अब आपका क्या हो रहा है, देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि दे लाइज इन द सेम पैरेलल, कौन कौन से हैं, पी एफ ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट इज दिस पी एफ डी, पी एफ डी दोनों इक्वल हो गए। तो नाउ वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, अगर रेशियोस में हम लिखेंगे तो हम इस तरह से आप लिख सकते हैं इजिली, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया यहां पर दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, और पहले हमने प्रूव किया था दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, है ना। तो थर्ड वाला हमको अब प्रूव हो गया है हमारा,
जस्ट आपको ये फिर से लिख देना है. तो दैट इज योर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीई इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएफए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफक्यूडी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएफबी. हैंस प्रूफ. ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज बाय टू एंड थ्री. यहां पर लिख सकते हैं बाय टू एंड थ्री वी गेट दिस. हैंस प्रूफ.